आप देख रहे हैं परसवाड़ा वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शुक्रवार 9 दिसंबर से दिन परसवाड़ा मुख्यालय स्थित मंगल भवन में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले एवं कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जीतू बर्वे की प्रमुख उपस्थिति में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। दोपहर 12 बजे से शाम तक चले इस कार्यक्रम में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों से आए सैकड़ों युवकों बुजुर्गों ने कांग्रेस की रीति नीति एवं कांग्रेस उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी निष्ठा ईमानदारी से कांग्रेस के पक्ष में कार्य करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शेषराम रहंगडाले जीतू बर्वे ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। कुछ नेता चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते और उनका फ़ोन तक नहीं उठाते, ऐसे में उनके साथ साथ पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले ने लगभग 150 लोगों को कांग्रेस का गमछा और फूलमालाओं के हार पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस परिवार में उनका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने सभी नए कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठकर गहन मंथन और स्वल्पाहार किया और सभी को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि कोई भी प्रशासनिक कार्य हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्य हो तो वे उन्हें किसी भी वक्त फ़ोन लगा सकते हैं। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को तुरंत सुना जाएगा और उसका त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। आज हम कैसे सदस्य का जन्मदिन मना रहे हैं जिस परिवार में इस देश को आजादी से लेकर गांधी परिवार की जो इंदिरा जी की गोली से हत्या कर दी गई, जो राहुल गांधी जी को बम से उड़ा के उनके सौदे चीथड़े चीथड़े तक हो गया और वो सोनिया जी को नहीं मिले, लेकिन वो सोनिया जी की दाद देखो, उनकी हिम्मत देखो कि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पे रहते हुए मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी। चाहे तो प्रधानमंत्री खुद भी बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो आप देश की स्थिति देख रहे थे। और आज 8-9 साल हो गए जब से सत्ता में भाजपा की सरकार आई है, आप देश की स्थिति देख रहे हैं। सम्मान्य मेरे युवा साथियों, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरा इस सभागृह में तीसरी बार आना है। इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी मैं परसवाड़ा का विधानसभा प्रभारी था। लोकसभा चुनाव में मैं भी टिकट के दौर में था, लेकिन किसी एक भाई को मिलती है, फिर भी मुझे यहीं का ही प्रभारी बनाया गया और यहाँ का प्रभारी बनके मैं यहीं आया था। लेकिन आज मुझे यह खुशी होती है कि जब तीसरी बार में आया तो सारे युवा जमीनी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब तक हमारी जमीन मजबूत नहीं होगी, जब तक हम जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देंगे, जब तक हम जमीनी कार्यकर्ता को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। क्योंकि इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत भूत से वोट निकाले जाते हैं, ये भूत पे वोट निकाल के घर घर जाते हैं, विपक्ष वालों से लड़ाई लड़ते हैं, उनको समझाते हैं। लेकिन हमारा एक फर्ज होता है कि जब उस जगह पहुंच जाए तो पहले उस जमीनी कार्यकर्ता को ही याद किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है ये बहुत कम होता है। इसलिए मेरे द्वारा, आप जानते हैं राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा ने रोज 30 किलोमीटर पैदल चल रहे, हमने बालाघाट में 3 दिन 90 किलोमीटर पैदल चला। उसके बाद हम लोग सेवा दल अध्यक्ष और करीब 150 जो जितना जलाएगा वो उतना पैसा देगा। लेकिन जब भी ये आए कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार गिरा के हमारे कांग्रेस के विधायकों को खरीद के, लेकिन जो बिका विधायक बिके ये देश के भविष्य के लिए बहुत शर्मनाक था। 5 साल अगर मौका दे देते तो मध्य प्रदेश बहुत आज स्थिति और होती। 300 रुपए पेंशन थी, 600 रुपए की गई, 1000 रुपए करने का वादा था, 25,000 रुपए लाली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत शादी के लिए मिलता था, उसको 51,000 किया गया।
जो हमारे पुलिस कर्मी सहकर्मी हमारे पुलिस भाई लोग चाहे या जितने भी परिवार हो तो इनके परिवार से कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त या कोई भाई जरूर पुलिस में होगा। इनको कभी अभी तक छुट्टी नहीं मिलती थी, इनको भी हफ्ते में एक दिन कम से कम आराम चाहिए, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा काम है प्रशासन का किसी भी चीज का तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के काम है। नेता आया तो उन्हीं को जाना है, कहीं किसी का मार्ग कायम हुआ तो उन्हीं को जाना है, किसी काम में चोरी हुई तो उन्हीं को जाना है, कहीं लड़ाई बलवा हुआ तो उन्हीं को जाना है, और कहीं अगर अशांति भंग हुई उन्हीं पुलिस भाइयों को जाना है। तो कमलनाथ जी और सांसद है उनको हर हर मेहनत करने वाले और हर चीज का ध्यान रखा, और वो और आने वाले समय में आज हम कमी निकाले कर्ताओं से जुड़ते हुए हम ऐसा काम करेंगे कि निश्चित ही आपके परसवार में कांग्रेस को जिताने से कोई नहीं रोक सकता। आज परसवार मुख्यालय में बैठे हैं मेरे द्वारा, इसी प्रकार हर दस दस गांव में सेक्टर लेवल पे हर गांव से जो जमीन का कार्य करता है उनके साथ मिलकर काम किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। और आज भी एक सोनिया जी का जन्मदिन तो हमारे देश ही बड़ा, लेकिन आज हमको आज सदस्यता लेंगे और एक शपथ लेंगे कि आज से हम जमीन कार्यकर्ता निश्चित पास वाला विधानसभा में कांग्रेस का पद कम लगाएंगे। जो भी हमारा चुनाव लड़े वो उसकी जीत नहीं होगी, वो आप लोगों की जीत होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ कौन आएगा किसको टिकट मिलेगी, पहले हम जमीन से मजबूत हो जाए, पहले हम अपनी जमीन मजबूत कर ले, और जिस दिन जमीन मजबूत हो जाएगी तो उस नेताओं को भी हमारे। लेकिन मैंने निरंतर समाज के किसी पद पे नहीं रह के भी, चाहे का आपका क्या भैया हो गया, भैया रामबंदी ट्रस्ट इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है सामाजिक काम, अन्य समाज के भी सामाजिक बंधु होंगे वो भी सब अपने अपने समाज में इसी प्रकार काम करते हैं जब उसको सामाजिक दायित्व मिलता है। लेकिन मुझे 3 बार पहले जिले का महासचिव बनाया गया, वो क्यों बनाया गया, क्योंकि मैंने समाज के बीच में घुस के काम किया, उन नेताओं के साथ में मेहनत किया। इसलिए हम कार्यकर्ता अगर यहाँ आए हैं, हमने आपको बुलाया है तो हमने आपको कंधे से कंधा मिलकर काम करने बुलाए, और जो तुम्हारी परेशानियां मजबूरियां आप हमारे यहाँ पास आइए, नहीं है तो दोबारा आपको आप मैं अपने अपने गांव में आपको घुसने मत दीजिए, क्योंकि हम आपके अतिथि थे, आपने हमको नेता बनाया है। कार्यकर्ता ही मेरे नेताओं की जान होती है, जिसका कार्यकर्ता मजबूत है उसका नेतृत्व मजबूत है। मैं इस मंच से आपको आशा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी मैं अपने आपको कार्ड दूंगा, सभी को मैं अपने कार्ड ले आऊंगा, वो पुराने कार्ड है जिससे मैं कमलनाथपुरम का मैं जिला अध्यक्ष था। आप लोगों के बालाघाट से कोई भी अगर काम हो, दवाखाने से संबंधित काम हो, कोर्ट से संबंधित काम हो, या अगर कोई परेशानी हो तो मेरे कार्ड पे रात के 12 बजे भी नंबर लगाना, पहली गलती में फोन उठेगा। परिवार का झगड़ा, भाई भाई की लड़ाई ये हर परिवार में होते, अगर हम भी 5 भाई तो हर घर में झगड़ा होता है। कोई झगड़े में नहीं बुलाना, बाकी अगर तुम्हें कोई भी प्रशासनिक काम हो, कोई भी शासकीय काम हो, कोई भी आपकी परेशानी हो, खुदा ना का सोच सके कि मैं बालाघाट में नहीं रहा, कहीं अगर बालाघाट से बाहर भी रहा तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि वहां जाइए, मेरे वकील साहब बैठे वो आपका काम कर देंगे। वहां दवाखाने में जाइए, वहां वो डॉक्टर साहब से मिलिए, मैं पांडे जी को फोन कर देता हूँ। ऐसे अनेकों का फोन भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर जो कार्यकर्ता के लिए जी जान से चाहेगा, जो कार्यकर्ता को अपना समझेगा वो उसका काम जरूर करेगा। मेरे सम्मानित साथियों, बहुत हर्ष की बात है कि आज हम सब नए लोग ऊर्जा के साथ यहाँ आए हुए हैं। मेरे द्वारा आप लोगों की ऊर्जा में कभी कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर आपको अजवाना है तो मेरे कार्ड पे 18-55 वाला 11-12 बजे 2-4 लोग नंबर लगा के ट्राई दी। और मीटिंग के माध्यम से हमने सोनिया जी का जन्मदिन मनाने का एक कार्यक्रम किया,
हमारा जन्मदिन मनाना तो एक उद्देश्य है, और शायद पहली बार आपके परसवाड़ा में सोनिया जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो भी जमीनी कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है। समाज सम्मानित साथियों, हमारे पास कार्यकर्ता और जनताओं के बीच जाके बोलने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं कि अगर सुबह से शाम तक आकर मुद्दे गिनाने का खत्म नहीं होना चाहिए। मैं दो चार ही मुद्दे पे आपको बताना चाहता हूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, तो कमलनाथ जी ने जो वादा किया था कि 16% किसानों का कर्जा माफ करेंगे, निश्चित ही उन्होंने शपथ ग्रहण करते किसानों का कर्जा माफ करने के लिए फाइल पे पहले साइन किया। लेकिन अगर आप सत्ता में आते हो 10-15 साल जो है कोई मुख्यमंत्री रहे, तो वो तो दूसरी पार्टी के जैसे मैं जानता हूं, उनको मालूम था कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, हम सत्ता से जा रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने खजाना खाली कर दिया। खजाना खाली होने के बावजूद भी किसानों की कर्जा माफी की घोषणा को 3 चरण में बांटा गया था, पहले 50,000 तक, फिर 1,00,000 तक, और फिर 2,00,000 तक के किसानों के कर्जे माफ होते। लेकिन भाजपा वालों ने सोचे, अरे कमलनाथ जी ने ये काम कर दिया साल भर के अंदर, तो 10-20 साल मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को कोई हिला नहीं सकता था। आप देखते हैं 15 महीने के अंदर 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलती थी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे इनकम टैक्स दाता हो, चाहे सर्विस वाला हो, चाहे गरीब किसान हो, किसी के लिए भेदभाव नहीं था, जो जितना जलाएगा वो उतना पैसा देगा। लेकिन जब भी ये आए कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार गिरा के, हमारे कांग्रेस के विधायकों को खरीद के, लेकिन जो बिकाऊ विधायक बिके, ये देश के भविष्य के लिए बहुत शर्मनाक था। 5 साल अगर मौका दे देते तो मध्य प्रदेश बहुत आज स्थिति और होती। 300 रुपए पेंशन थी, 600 रुपए की गई, 1,000 रुपए करने का वादा था, 25,000 रुपए लाली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत शादी के लिए मिलता था, उसको 51,000 किया गया। जो हमारे पुलिस कर्मी सहकर्मी हमारे पुलिस भाई लोग, मैं आपको सभी को परसवाड़ा की परसवाड़ा की पावन धरा पे आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। पहले तो मैं आप सभी को हृदय से अभिनंदन और अपना प्रणाम करता हूँ। और मंच में उपस्थित आज हम यहाँ से उपस्थित हुए हैं हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष पर। हमारे बड़े भाई जो कांग्रेस में लगातार कई वर्षों से लगातार सघन संघर्ष और मेहनत करके लगे हुए शेषराम रांगनारे जी, जिनका आज मैं जिले में जिला उपाध्यक्ष पद में वो आसीन है, लेकिन लगातार मैं लगातार करीब मैं कुछ 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में लगा हूँ और संगठन ने मुझे सेवा दल की जिम्मेदारी दी है। मैं लगातार देखते आ रहा हूँ कि सेवा दल के साथ साथ हमारे वरिष्ठ जो शेषराम रांगनारे जी है, लगातार वर्षों से कई वर्षों निरंतर प्रयासरत वो कांग्रेस पार्टी के जोड़ने के लिए और एकता के साथ और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और बालाघाट में ही पूरे जिले में एक ताकत के रूप में आज हमको भी जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, ताकत की आवश्यकता पड़ती है, तो शेषराम भैया दिल खोल के हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं और जिस तरह आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष पर हम उपलब्ध आज यहाँ सभी उपस्थित हैं, जो कि एक साहस और एक त्याग की प्रतिमूर्ति सोनिया गांधी जी, जो जिस समय अगर वो चाहती तो खुद एक प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना त्याग समर्थन एक कांग्रेस पार्टी के लिए निछावर करा और कांग्रेस पार्टी के ऐसे अर्थशास्त्री मनमोहन जी को उनने प्रधानमंत्री पद में उनने मौका दिया। ये उनकी ताकत और उनके साहस और त्याग का प्रतिरूप है जो मनमोहन जी का हमारे प्रधानमंत्री बने उस समय। तो ऐसी एक शक्तिशाली महिला जो पूरे विश्व में कोर्स बुक होती है, जिसमें महान शक्तिशाली महिलाओं में नाम दर्ज करवाई हुआ सोनिया गांधी जी है, तो ऐसी शक्तिशाली जो हमेशा जिनके परिवार ने आज संगठन में लगातार राजीव गांधी जी हो या इंदिरा गांधी जी, जो त्याग जो परिणाम जो बलिदान ऐसे परिवार से जो आई, उस महिला ने हमें बताया कि त्याग और समर्पण
में क्या होता है। तो ऐसे संगठन के साथ हम जुड़े हैं, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। तो मैं सभी चाहता हूं कि आप सभी के बीच में यहां ऊपर हम हुए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो आप सभी का इस पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है। और हम माननीय हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी के स्वस्थ स्वास्थ्य और सुख के लिए हम सभी यहाँ पर एक अपने तरफ से उनको एक प्रेरणा और अपना हृदय से अभिनंदन देते हैं, ताकि